हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल। मायसेल्फ अभिषेक कुमार, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। तो टुडे आई विल डिस्कस पर्टिकुलर वीडियो पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ 11th एनसीईआरटी, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो यू एंजॉय दिस सेशन एंड स्टडी विद मी। इफ यू वॉन्ट टू जॉइन माई सोशल मीडिया हैंडल, सो आई प्रोवाइडेड लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू जॉइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल and other social media handles. So let's start without wasting any time. Student with me. Friends, welcome back in another video. So today's topic is Kingdom Protista. So first of all, we discuss about what is Kingdom Protista. So Kingdom Protista में हमारे all unicellular eukaryote organism को रखा गया। तो Kingdom Protista में हमारे all unicellular eukaryote organism रखे गए, जिसको Kingdom Protista की हमारी जो boundary है वो clear नहीं है। Boundary is not defined. जो किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री है वो हमारी क्लियर नहीं है, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा होता है वो कनेक्टिंग लिंक मानते हैं हम लोग। किंगडम प्रोटिस्टा एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाइन। जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो हमारे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई की कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्रैसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनॉइड, स्लिम मोल्ड, प्रोटोजोवन को रखा है, ठीक है। मतलब किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे क्रैसोफाइट्स हैं, डायनोफ्लैजेलेट हैं, यूग्लेनॉइड हैं, स्लिम मोल्ड हैं, प्रोटोजोआ हैं, जिसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है, ठीक है। बीइंग यूकैरियोट, यूकैरियोट होने की वजह से, यूकैरियोट होने के फीचर्स क्या होते हैं, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हों, तो उनको हम यूकैरियोट में रखते हैं, ठीक है, यूकैरियोट बोलते हैं। बीइंग यूकैरियोट, प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोट होने की वजह से जो प्रोटिस्टन की सेल बॉडी थी वो एक ट्रू न्यूक्लियस कंटेन करती है, और उनके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, ठीक है। सम प्रोटिस्टन है सीलिया, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं, हमारे प्रोटिस्टन ऐसे होते हैं जिनमें हमारे सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया हमारा पैरामीसियम में पाया जाता है, और सम है फ्लैजला, किसी में फ्लैजला होते हैं तो हमारा फ्लैजला हमारा यूग्लेना में पाया जाता है, ठीक है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस, जो प्रोटिस्टर होते हैं हमारे, प्रोटिस्टा होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे, बाय प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो हमारा सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्रैसोफाइट्स के बारे में, क्रैसोफाइट्स क्या है हमारे, उसके बारे में देखते हैं। तो क्रैसोफाइट्स इंक्लूड, क्रैसोफाइट्स में हमने इंक्लूड किया डैटम एंड डिसमिट को। क्रैसोफाइट में हमारे डैटम एंड डिसमिट होते हैं, जिसमें डिसमिट्स को हम बोलते हैं गोल्डन एल्गा, गोल्डन एल्गा बोलते हैं हम। तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। जो हमारे क्रैसोफाइट्स होते हैं, डैटम एंड डिसमिट्स होते हैं, ये हमारे फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। दे आर द माइक्रोस्कोपिक, ये हमारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्लोट, जो ये तैरते हैं वाटर करंट के थ्रू, इसको हम बोलते हैं प्लैंकटन। जो हमारी वाटर करंट के थ्रू फ्लोट करते हैं इसको बोलते हैं प्लैंकटन, यानी ये प्लैंकटॉनिक होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेट, जो बहुत सारे होते हैं ये फोटोसिंथेट होते हैं, इनमें से बहुत सारे होते हैं जो कि हमारा फोटोसिंथेट होते हैं। फोटोसिंथेट मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द यूज ऑफ सनलाइट एनर्जी, ठीक है। इन डैटम सेल, जो हमारी डैटम की सेल वाल होती है, फॉर्म टू थिन, मतलब डैटम की सेल वाल होती है ओवरलैप थिन करती है, टू थिन सेल वाल होती है, वो ओवरलैप करके एक सोप बॉक्स की तरीके फिट हो जाती है दोनों में एक साथ। जैसे एक एक सेल वाल ये है, ऐसे ये बना हुआ है, ठीक है, और एक सेल वाल ये है, तो ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाती हैं, जैसे हमारी सोप बॉक्स, सोप रखने की हमारा जो बॉक्स होता है उसके तरीके बन जाता है ये। डैटम जो सेल वाल होती है डैटम की, ये इम्बेडेड विद सिलिका, इसमें कुछ सिलिका होते हैं, और ये इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब इसको हम जल्दी से नष्ट नहीं कर सकते हैं। डैटम की जो सेल वाल होती है इसमें सिलिका होता है, जिसकी वजह से हम उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। डैटम है लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ द सेल वाल डिपॉजिट इन देयर हैबिटाट। जो डैटम हमारे जहाँ से बहुत समय तक अपने हैबिटाट में, जहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी मात्रा में अपना वो हैबिटाट में सिलिका का डिपोजिशन कर देते हैं, जो जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल है। एक्यूमुलेशन ओवर अ बिलियन ऑफ ईयर इज रिफर टू एज डैटमेसियस अर्थ। बिलियन ऑफ ईयर तक हमारे डैटम्स जहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे एक
अर्थ बन जाती है ग्रेट। हमारी डायटेमेसियस अर्थ होती है वो ग्रेटी नेचर की होती है, उसकी जो सॉइल होती है वो ग्रेटी नेचर की होती है। तो उसका हम यूज क्या करते हैं, वो हमारी ग्रेटी नेचर की, तो हमारा यूज क्या होगा उसका, तो यूज हमारा होता है उसका यूज ऑफ पॉलिशिंग, जब हम किसी चीज़ को पॉलिश करते हैं तो उसमें यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के फिल्ट्रेशन में, सिरप के फिल्ट्रेशन में, और हमारे जो डाइटम्स होते हैं इसको हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन भी बोलते हैं। जो डाइटम्स होते हैं हमारे वो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं कि जो हमारा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है क्या है, तो हम बोलेंगे डाइटम्स हमारा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है ना। बिकॉज फोटोसिंथेटिक ये इन नेचर, ये हमारा क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है इस वजह से हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डायनोफ्लैजेलेट के बारे में। व्हाट इज डायनोफ्लैजेलेट? सो डायनोफ्लैजेलेट आर मोस्टली मैराइन। जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं हमारे वो मोस्टली मैराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे आर एपियर येलो, ग्रीन, ब्लू। ये हमें एपियर जो होते हैं हमें दिखेंगे, ये कैसे कैसे दिख सकते हैं, येलो दिख सकते हैं, ग्रीन दिख सकते हैं, ब्लू दिख सकते हैं, ब्राउन रेड, डिपेंड ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। ये डिपेंड करता है कि इनकी बॉडी में की सेल में कौन सा मेन पिगमेंट प्रेजेंट है। अगर जैसे हमको रेड दिख रहा है तो R5-erythrin जो होगा वो प्रेजेंट होगा, तो इसकी वजह से हमको रेड दिखेगा। जो इसकी जो सेल वॉल होती है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन आउटर सर्फेस, सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन आउटर सर्फेस। सेलुलोजिक नेचर की इनकी आउटर सर्फेस में एक प्लेट पाई जाती है। जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं हमारे, ये टू फ्लैजेला होते हैं इन पे। डायनो मतलब दो, फ्लैजेलेट मतलब फ्लैजेला, इसके नाम से ही पता चल रहा है। डायनो मतलब दो, फ्लैजेलेट मतलब फ्लैजेला। इसकी बॉडी, इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं। वंस जो होता है लॉन्गिट्यूडनली होता है एंड अदर जो ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब खड़ा खड़ा, ट्रांसफर मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं इन फॉरो बिटवीन वॉल प्लेट्स वेरी ऑफ्टन। ठीक है, इनकी जो वॉल प्लेट्स होती हैं वहाँ पर पाई जाती है। रेड डायनोफ्लैजेलेट जो होता है हमारा, रेड डायनोफ्लैजेलेट जो होता है हमारा, इसको गोनोलेक्स बोलते हैं। गोनोलेक्स को हम रेड डायनोफ्लैजेलेट बोलते हैं। इसको रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो मेन पिगमेंट है इसका R5-erythrin है। R5-erythrin की वजह से इसको हम रेड डायनोफ्लैजेलेट बोलते हैं। अंडर गो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन डेट मेक द सी एपियर रेड। जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये जो हमारा सी होता है उसको वो रेड कर देता है, जिसको लाल सागर बोलते हैं। रेड टाइड एपियर, लाल सागर के तरीके वो रेड कर देगा उसको। तो ये बहुत सारे डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं हमारे, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ जो हमारी मैराइन फिशेस होती हैं, मैराइन एनिमल होती हैं, वो डेथ हो जाती है इनकी टॉक्सिन की वजह से। सो आफ्टर वी डिस्कस अबाउट यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड इसके नाम से ही पता चला है, यूग्लिनॉइड मतलब इसमें यूग्लिना आएगा, इसको यूग्लिनॉइड में यूग्लिना को रखा गया है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। जो हमारे यूग्लिनॉइड होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं हमारे फ्रेश वाटर होते हैं, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, जहाँ पे बहाव ना हो रहा हो पानी का, ठहरा हुआ पानी हो, जैसे तालाब का पानी है ना, झील का पानी, ये ठहरा हुआ पानी होता है। बट जो रिवर का पानी होता है वो ठहरा हुआ नहीं होता है, वो चलता रहता है, फ्लो होता रहता है। ठीक है, इस वजह से भी रिवर में यूग्लिनॉइड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर। जो यूग्लिनॉइड में होती है एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं पेलिकल। जो पेलिकल होती है वो प्रोटीन रिच लेयर होती है। ठीक है, विच मेक बॉडी फ्लेक्सिबल। जो पेलिकल होती है वो यूग्लिनॉइड की बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है, यानी लचीली बना देती है, वो बहुत लचीली हो जाती है। ठीक है, दे हैव टू फ्लैजेला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग। इनमें यूग्लिनॉइड में भी दो फ्लैजेला होते हैं, एक जो होता है हमारा शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। दे आर कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिनॉइड को कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल क्यों बोला गया, इसके पीछे रीजन है। बिकॉज जो हमारा यूग्लिनॉइड होता है इसमें प्लांट के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और एनिमल के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। जैसे अगर सनलाइट, जो अगर हमारी सनलाइट प्रेजेंट है तो ये हमारा प्लांट की तरफ बिहेव करेगा, अगर सनलाइट अब्सेंट है तो हमारा एनिमल की तरफ, हेटरोट्रॉफ की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम टेस्ट में देख लेते हैं क्या लिखा है। सो दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये हमारा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है प्लांट एंड एनिमल। बिकॉज दे बिहेव इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, बिकॉज दे बिहेव प्रेजेंस ऑफ लाइट अ फोटो ऑटोट्रॉफ। जो
लाइट की प्रेजेंस में ये फोटो ऑटोट्रॉप जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट जो होते हैं हमारे सनलाइट को यूज करके अपना भोजन बनाते हैं, उसी तरह ये भी होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप हो गया। अब्सेंस ऑफ सनलाइट, जब हमारी सनलाइट नहीं होगी तो दे बिहेव एट हेटरोट्रॉफिक, जब हमारी सनलाइट नहीं होगी तो ये हमारा हेटरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करेगा, हेटरोट्रॉफ करेगा, क्या करेगा मतलब प्रीडेटर हो जाएगा, फिर ये प्रीडेटिंग ऑन सम स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, तो मतलब वो किसी को मार के खाएंगे, अपना प्रीडेटिंग करेंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो यूग्लोनाइड में जो पिगमेंट होता है आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, जो यूग्लोनाइड में पिगमेंट होता है, पिगमेंट क्या होगा फोटो ऑटोट्रॉफ के लिए, हमारा पिगमेंट जो है मेन नेसेसरी पिगमेंट है तो वो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है हमारा जो हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में भोजन बना लेते हैं हायर प्लांट और अपना यूग्लिना भी, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल हो गया यूग्लिनॉइड में यूग्लिना को रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्लिम मोल्ड, स्लिम मोल्ड के बारे में पढ़ेंगे हम। स्लिम मोल्ड क्या होते हैं, स्लिम मोल्ड और सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, जो स्लिम मोल्ड होते हैं वो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं हमारे। द बॉडी अलॉन्ग डिकिंग ट्यूंग्स लीव एंड इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जो इनकी बॉडी होती है वो हमारी इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करती है, डिकिंग ट्यूंग्स जो होते हैं मतलब पत्तियां वगैरह डिकिंग हो गई उनको इनगल्फ करके अपना यूज करती है। सुटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम फॉर्म बनाते हैं, जब इनकी सुटेबल कंडीशन होगी, इनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग कंडीशन होगी तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। बट इनकी अनफेवरेबल कंडीशन में दे फॉर्म फ्रूटिंग बडी, जब इनकी एडवर्स कंडीशन होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये फ्रूटिंग बडी बनाएंगे, ठीक है, फ्रूटिंग बडी बना लेते हैं। द फ्रूटिंग बॉडी वियर्स स्पोर एट टिप, जो फ्रूटिंग बॉडी होती हैं उनमें टिप पे स्पोर होते हैं, ठीक है, स्पोर है ट्रू बॉल, जो स्पोर में होती हैं वो ट्रू बॉल होती हैं, स्पोर है ट्रू बॉल। दे एक्सट्रीमली रजिस्टेंट सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, ये स्पोर्स जो होते हैं इनमें ट्रू बॉल्स होती हैं और ये एक्सट्रीमली रजिस्टेंस होते हैं और बहुत सालों तक सर्वाइव कर लेते हैं एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में बहुत सालों तक सर्वाइव कर लेते हैं। दे स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, जो इनके स्पोर्ट्स होते हैं स्लिम मोल्ड के जो स्पोर्ट्स होते हैं वो एयर करंट के थ्रू, हवा के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान में डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे अब प्रोटोजोअन के बारे में। प्रोटोजोअन भी हमारा जो है, प्रोटोजोअन मतलब प्रो मतलब अग्रिम बहुत पहले और जोवन मतलब एनिमल, ठीक है, तो मतलब बहुत पहले जो हमारे एनिमल थे उनको हम प्रोटोजोअन बोलते हैं। प्रोटोजोअन में भी हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ये भी हमारा प्रोटोजोअन में आते हैं। तो प्रोटोजोअन काल प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल, जो प्रोटोजोअन थे हम उनको बोलते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल, मतलब जो बहुत पहले के एनिमल थे उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल। आल प्रोटोजोअन आर हेटरोट्रॉफ, आल प्रोटोजोअन जो हमारे वो हेटरोट्रॉफ हैं एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, जो हमारे प्रोटोजोअन हैं वो हेटरोट्रॉफ हैं और वो हमारे प्रीडेटर और पैरासाइट के तरीके रहते हैं। ये हमारे प्रोटोजोअन को हम लोगों ने चार भागों में डिवाइड किया है, फोर ग्रुप में डिवाइड किया है। जो हमारा फर्स्ट है अमीबियाड प्रोटोजोअन होता है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन होता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। अमीबियाड प्रोटोजोअन, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, ये हमारे फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, सी वाटर में भी रह सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं। कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग सूडोपोडिया, ये अपने प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं, अपने प्रे को कैसे पकड़ते हैं, यानी अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं, इनके इनमें सूडोपोडिया होते हैं, सूडोपोडिया को हम बोलते हैं फॉल्स फीड, मतलब जो मतलब ट्रू फीड मतलब ट्रू पैर ना हो, इनके फॉल्स फीड होते हैं। ये हमारे अमीबा में पाए जाते हैं, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, अमीबा में पाए जाते हैं, ये अपने प्रे को पकड़ते हैं सूडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। मैराइन फॉर्म अमीबा है सिलिका सेल, मैराइन फॉर्म जो अमीबा की होती है उसमें सिलिका की सेल पाई जाती हैं ऑन देयर सरफेस, ठीक है, और सिलिका हमारा डाटम से पाया जा रहा था, ठीक है। इसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और पैरासाइट्स, जो हमारा प्रोटोजोअन में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो पैरासाइट होता है, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। फिर सेकेंड हम देखते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन, जो
जेट प्रोटोजोवंस हैं, इनमें हम कह दें मेम्बर ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग, ये इस मेम्बर के ग्रुप जो होंगे फ्री लिविंग हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे है फ्लैजला, इनके पास फ्लैजला भी होता है। ठीक है, जो पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज, जो पैरासिटिक फॉर्म होती है वो डिजीज कॉज करती है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, जो हमारा स्लीपिंग सिकनेस होता है वो कॉज बाई ट्रिप्नोसोमा गैम्बुसियंस। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज बाई, तो हमारा आ जाएगा ट्रिप्नोसोमा गैम्बुसियंस। बट स्लीपिंग सिकनेस का जो ट्रांसमिट करता है कौन ट्रांसमिट करता है सिफिलिस की डिजीज को, तो ये है सेट सी फ्लाई, या सिर सेट सी फ्लाई या सिर सी फ्लाई बोलते हैं इसको हम बोल। हमारा देखेंगे इसमें आता है सिलेटेड प्रोटोजोन। सिलेटेड प्रोटोजोन में कौन कौन से आते हैं, सिलेटेड से नाम ही से पता चल रहा है, सिलेटेड यानी सिलिया होगा, इस पर सिलिया होगा तो यहाँ हमारा पैरामीशियम इसमें आएगा सिलेटेड प्रोटोजोन में। सिलेटेड प्रोटोजोन में हमारा पैरामीशियम आएगा। हम देखते हैं दीज आर एक्वाटिक, ये एक्वाटिक हो सकते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया, ये एक्टिवली मूविंग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत फटाफट चली चली जाते हैं क्योंकि इनमें सिलिया होती हैं। ठीक है, दे हैव ए कैविटी, इनमें एक कैविटी होती है ओपन टू आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस, जो सेल सर्फेस से बाहर की तरफ खुलती है, इसको हम कैविटी को, इस कैविटी को बोलते हैं गलेट भी बोलते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉ ऑफ सीलिया, जो सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है यानी एक साथ जो मूवमेंट होता है सीलिया एक ही दिशा पे मूव करेंगी, कॉज वाटर लेडन विथ फूड टू बी मूव इनटू गलेट, इनकी जो कैविटी में होता है जो सीलिया जो एक साथ मूव करेंगी तो जो वाटर लेडन की जो वाटर में जो फूड होता है इनकी कैविटी में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं गलेट। ठीक है, पैरामीशियम आर सिलेटेड प्रोटोजोवन, ये पैरामीशियम जो होता है हमारा सिलेटेड प्रोटोजोवन है क्योंकि इसमें सिलिया हमारा पैरामीशियम में पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्पोरोजोवंस, स्पोरोजोवंस से मतलब चल ही रहा है हमारा कि स्पोर मतलब स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, डिजीज कॉजिंग स्पोर होंगे वो। इट्स इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेट इन्फेक्टियस स्पोर्स, जो इन्फेक्टियस स्पोर्स होते हैं, इन्फेक्टियस स्पोर्स होंगे तो हमारा वो डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है, लाइक स्टेज देयर लाइफ साइकिल, इनमें इन्फेक्टियस स्पोर्ट्स की एक लाइफ साइकिल होती है इनकी लाइफ में। ठीक है, द मोस्ट नोटोरियस, इनमें मोस्ट नोटोरियस होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, इसमें इसकी वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन में डिजीज कॉज होती है और बहुत सारी पॉपुलेशन डेथ भी होती है बहुत उसमें। विच कॉज मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया पैरासाइट होता है जो कि हमारा मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया विच हैज स्ट्रेंगलिंग इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि हमारे ह्यूमन की पॉपुलेशन में बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। तो फिलहाल किंगडम प्रोटिस्टा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए और मेरे से जुड़े रहिए। इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक माई सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड्स एंड लाइक। सो टेक केयर, यू हैव ए नाइस डे, बाय बाय।